बर्फ पड़ गई है, देखो कल रात यहाँ पर बर्फ पड़ी है। गुड मॉर्निंग मैडम। देखो गजब रखा है यहाँ पर, चाय रखी है ना तुमने। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, सुबह के 8 बज चुके हैं और बर्फ़ पड़ी है चारों तरफ। कल रात सडनली बादल आए और एकदम बर्फ़ पड़ चुकी है और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और देखिए काफ़ी बढ़िया, चारों तरफ बर्फ़ की लहर है यहाँ पर। और यह है हिमालय, हिमालय भी गच्छे हो रखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। यहाँ नीचे पूरी बर्फ़ है, देखो ये। चलने वाला हो रहा है इसमें, गाड़ी आ जाएगी ऊपर तक। हाँ हाँ आ जाएगी, रोड में नहीं है बर्फ। हाँ रोड पे नहीं है ना, ठीक है। और जो है वो पिघल जाएगी थोड़ी देर में, धूप आएगी ना। क्या नहीं बन रहा ये, तो पाला पड़ा है ना उसमें, पाला पाला है ना, तो इसलिए नहीं बन रहा, वो पतला पतला हो रखा होगा ना। और सौरभ ने बना दिया है स्नोमैन यहाँ पर। हाँ ठंडे हो जाएंगे। आप क्या बना रहे? खाली वीडियो स्नोमैन बना रहे हैं यहाँ पर। स्नोमैन अंकल बना रहे हैं, देखो स्नोमैन बना रहे हैं। हाँ क्योंकि आप बर्फ पड़ नहीं रही है ना बहुत समय से, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। हाँ 2-3 साल में, अब 2-3 साल से बर्फ नहीं पड़ रही है ना। वो मोहन जी बता रहे थे। हाँ मोहन जी बता रहे हैं, पहले ऐसा था ना, पहले 2-2, 3-3 फीट बर्फ रहती थी, मैनू रोड बंद रहती थी। अरे बाप रे। और अब देखो इतना बड़ी मुश्किल से हुआ ये भी है। कल आधे दिन भर तो धूप थी ना, तो सडनली बादल आए और अंधेरा हो रखा है, तो यहाँ पड़ने वाला हो रखा है। धूप में चलो, धूप में धूप में छाया आ रही होगी। फोटो खींचनी है, फोटो हनुमान जी भी ऐसे पहाड़ आए थे, संजीवनी बूटी वाला। धूप में आओ ना, धूप में। तो गाइस यहाँ पर बर्फ में चलने में बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे ये तो गजब आ रखी है यार, मजा आ गया। तो धूप में आओ तो और नदी है, हाथ लकड़ी गए हैं मेरे तो, और ज्यादा हो गए। धन्यवाद सर, मेरा नाम जगदीश। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हैं हाथ कर गया ना, बहुत ठंड हो गई है, हाथ जो है अकड़ जैसे गए हैं। पूरी बर्फ है यहाँ पर,
और दिल्ली से आए हुए गेस्ट भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। अभी हम आ गए हैं रिसेप्शन में और यहाँ देखो, यहाँ पूरी यहाँ भी बर्फ है। कितना ज़्यादा बर्फ है, हार्ड हो रखी है। ये देखो बहुत ही ठंडी 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 लग रही है। देखो पूरा यहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है। गाड़ी के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। ये देखो बर्फ की टीले बन रही है, सामने भी बर्फ का टीला बन रही है। ये देखो बर्फ का टीला जबरदस्त खूबसूरत। तो गाइस अभी हम जंगल साइड में आ गए हैं और अब देखते हैं यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और घूमने में मज़ा भी आ रहा है। हाँ नल जम गए। तो गाइस कल बर्फ़ पड़ी थी और टेम्परेचर इतना डाउन था कि जो पानी के नल थे, गर्म पानी के नल, वो सारे जम चुके हैं और साथ के लोग उन नलों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पानी डालना पड़ेगा यार, गर्म पानी। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ 0 पॉइंट और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और ठंडा तो माइनस है। यहाँ पर 8000 फीट की हाइट है। देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ पर। तो आज हम बर्फ़ में 0 पॉइंट वॉक पे भी आए तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर से। नंदा देवी पहाड़ बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पूरा जंगल में बर्फ़ बर्फ़ है। जीरो पॉइंट में ज़्यादा बर्फ़ है, नीचे तो थोड़ी कम बर्फ़ है, यहाँ ज़्यादा है बर्फ़। ये देखो पूरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया है बर्फ में यहाँ पर आज। तो अभी वापस घूम के आ चुके हैं मेन रोड पे। तो यहाँ पर भी बहुत ही बर्फ़ है।